ये पहनना ज़रूरी होता है, अदरवाइज कहीं जाएगा तो हम फाइन लगता है, 500 फाइन ये नहीं पहनेगा तो। वेलकम बैक टू आर चैनल कल्चर बॉक्स, जहाँ पे अभी हम लोग हैं एक लद्दाखी फैमिली के साथ और इन लोगों ने हमारे को कल टेस्ट करवाया ट्रेडिशनल क्यूजीन। तो ये उस ब्लॉग का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है जहाँ पे हमारे को डोलमा ने ज्वाइन करा है। तो डोलमा ने को आपने लास्ट ब्लॉग में भी देखा होगा, लेकिन अब मैं इनको फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आपसे। तो डोलमा यहाँ पे लद्दाख की रहने वाली है और ये PWD में यहाँ पे एज एन एम्प्लॉयन ले राइट, और ये भी कई बार चंडीगढ़ और दिल्ली आती रहती हैं। तो आज डोलमा हमारे को दिखाने वाली है लद्दाख की ट्रेडिशनल ड्रेस, साथ ही मैं और डोलमा मिलके और साथ में आपकी मम्मा मम्मा भी है, सब लोग मिलके हम लोग करेंगे लद्दाखी डांस ऑन द लद्दाखी गाने पे। तो इस वजह से ये व्लॉग के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग एंड फटाफट पहनते हैं हम अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस और करते हैं हम लद्दाखी गाने पे डांस। तो गाइस बातों ही बातों में हमारे को पता चला कि यहाँ पे जो लद्दाख की जो ट्रेडिशनल वेयर जो ड्रेस है वो आज हमारे को डोलमा हमें बताने वाली कि कैसे कैसे वो ड्रेस को पहना जाता है, क्या क्या उसका नाम होता है। तो स्टार्टिंग अगर करी जाए तो ये होते हैं वहाँ के हैंडलूम, तो ये है शीप वूल से बना हुआ, और जो अभी हम सेंटर में हमने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि कैसे वहाँ पर हैंडलूम का काम होता है, वहीं से ही ये फैब्रिक्स बन के आते हैं और इसके बाद ये मनपसंद कलर में डाई होते हैं और उसके बाद उनके गाउन्स बनते हैं। तो जो इनके फाइनल प्रोडक्ट है हम वो दिखाते हैं कि किस तरीके से ट्रेडिशनल ड्रेस दिखती है और पहन के कितने सुंदर लगते हैं इसमें लोग। इसको हम नंबू बोलते हैं, ये शिवूल से बनते हैं और ये इसमें हम अपना मर्जी से कलर अलग अलग बनाते हैं अपना मर्जी से कलर। और इसके बाद ये सेम है, ये ब्लू कलर की है और इसको हम बनाते हैं कोस बनाते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस। एक बना हुआ ये है रेड कलर की, ये बहुत गर्म होती है, हम विंटर में यूज़ होते हैं ये, समर में नहीं विंटर में, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है शीप वूल के। और हम इसके नीचे एक वो सूट पहनना ज़रूरी होता है क्योंकि ये तो अपना मैचिंग से पहनते हैं ठीक है, अलग अलग अपनी मर्जी से। इसको हम टीलेन बोलते हैं, टीलेन ठीक है। फिर पहनो ऐसी पहनती है, मतलब ये शॉर्ट होती है, हम इसका मेन चीज़ होता है ये आगे से ये वाला डिज़ाइन दिखना है और ये बाजू ऐसे करते ऐसे पहनती है, ऐसे फॉल करते हैं, इसको मैचिंग होना ज़रूरी होते हैं। फिर ऐसे बना के ये अपने फिटिंग से बनता है ठीक है। ऐसे फॉल करते हैं, फिर इसका ये बनता है, इसको बोलता है इश्केरा बनाते हैं, ऐसे करते हैं। फिर इसके नीचे भी मतलब सलवार होते हैं ठीक है, सलवार। फिर हम पूरा मैचिंग होना चाहिए, टीलेन शिकेरक और सलवार, सलवार भी ये नीचे मैचिंग होता है ठीक है। उसके बाद हम शूज़ होता है, शूज़ इसको बोलते हैं हम पाबू बोलते हैं, ये भी शेबुल का बनाते हैं, ऐसे करके सलवार हम नीचे डालते हैं। अगर ये मॉडर्न शूज़ भी पहनते हैं आजकल तो ज़्यादातर, ये तो वैसे ट्रेडिशनल है, मॉडर्न शूज़ में तो ये सलवार बाहर निकालती है और ये पहनेगा तो सलवार नीचे डालते हैं। अच्छा, और इसको बॉग बोलते हैं, ये हो गया ट्रेडिशनल ड्रेस हमारा। और एक हमारा टोपी होता है, ये पहनना ज़रूरी होता है, अदरवाइज कहीं जाएगा तो हम फाइन लगता है, 500 फाइन ये नहीं पहनेगा तो। बस ट्रेडिशनल ड्रेस
इसको हम दोचा बोलते हैं, ये चांदी का है और यहाँ पे पूरा सोने का पानी लगाया है। और ये होता है तुंगलक बोलते हैं हम, चूड़ी मतलब तुंगलक, ये हाथी का वो होता है धात, और वो ये होता है हमारा ऐसे जू कहते हैं आवाज़ आई शादी टाइम, शादी के टाइम, और मम्मी और वो दोनों पहनते हैं ये वाला, सबको थैंक्स की तरह मतलब ऐसे करके जो बोलते हैं सबको एक एक करके जुलाए बोलते हैं। तो गाइस जैसे कि अभी डोलमा अपने ट्रेडिशनल अटायर, लद्दाखी ट्रेडिशनल अटायर में बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, तो फिर अब ये कह रही कि तुम भी एक बार ट्राई करो एंड देन फिर हम आगे कुछ लद्दाखी डांस ट्राई करेंगे, थोड़ा म्यूजिक ट्राई करेंगे। तो फिर अभी नरेटर बनती है डोलमा और वो बताती जाएंगी क्या क्या चीज़ें आंटी मुझको पहना रही हैं। अब मम्मी पहन रहे इस, सबसे पहले इसको टीलेन पहन रहे, टीलेन हाँ। इसके बाद ये है कॉस है, इसको मैचिंग होना ज़रूरी है क्योंकि मतलब अच्छा लगता है ना मैचिंग। और ये गाइस वेडिंग अटायर है, हाँ हाँ हाँ। इसको निकाल के इसको अपना फिटिंग पे वो बनती है, हाँ बस हाँ। इसको फोल्ड करते हैं, हाँ जी। और ये होता है स्केरक होता है, स्केरक से बनती है ये स्केरक, हाँ जी। वैसे एक सलवार, तो ऐसे सलवार होते हैं इसके मैचिंग, सलवार भी होता है, सलवार भी होता है, ठीक है। ये आंटी की वेडिंग ड्रेस तो नहीं है, वो दीदी की है ना, दीदी की वेडिंग ड्रेस है ये। अच्छा, आंटी के टाइम में तो ऐसा नहीं होता है, सिंपल सा होता है। अच्छा अच्छा, आजकल की फैशन है ये तो, लेटेस्ट लेस लगाना और अलग अलग डिजाइन होता है, हाँ थोड़ा मॉडर्न फ्यूजन दे रहे हैं उनको, हाँ हाँ जी। आप इसके पीछे ये बॉक है, बॉक पहनते हैं इसको, बोलता है बॉक। अच्छा, बस बस यहाँ पे आप ये ड्रेस के साथ साथ ये कैप भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है, क्या कहते हैं, टीबी 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 कैप। तो इसमें ये जो कैप है ये मेल की है और ये फीमेल की, फीमेल की कैप। अच्छा, तो मैं ये मेल वाली भी रख देती हूँ और मैं फीमेल वाली पहनती हूँ। और जैसे कि दिखने में लग रहा है कि गिरने वाली है, बट ये गिरने वाली नहीं है, कंफर्टेबल है और बिल्कुल मतलब हेड में बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो चुकी है ये। तो गाइस ये मेरी होगी है बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेस रेडी, और ये एक्चुअली दी की ड्रेस है, इनकी भी बड़ी सिस्टर की, जिनकी वेडिंग ड्रेस है, एंड आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने मुझे ये पहनने का मौका दिया। इसके अलावा ये कुछ ज्वेलरीज है, जैसे कि ये यहाँ पे इनकी चांदी की और ये सोने की ये ज्वेलरीज होती हैं, ये इनके सोने की ज्वेलरीज और भी बहुत सारी ज्वेलरीज होती है जो ये पहनते हैं, और इस ऐसे करके इनका पूरा ट्रेडिशनल अटायर पूरा होता है। तो इसके बाद आप मुझे डोलमा सिखाने वाले हैं यहाँ के लद्दाखी स्टाइल में जो डांस होता है वो हम चेहरा थोड़ा करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इंजॉय करते हैं इस ड्रेस को पहन के। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये इतना कलरफुल है। चलिए डोलमा, ओके ओके।
हमारे को ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने को मिला, हमने ट्रेडिशनल डांस करा ट्रेडिशनल म्यूजिक पे, और साथ ही ट्रेडिशनल क्यूजीन भी हमने खाया जो कि हमारे को डोलमा आंटी ने खिलाया। थैंक यू सो मच डोलमा आंटी, आपने इतने से वेलकम करें। गाइस यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे। हम सिर्फ आए थे आंटी के पास खाना या फिर क्यूजीन को टेस्ट करने के लिए, लेकिन आंटी ने हमारे को ड्रेस भी दिखाई, ज्वेलरीज दिखाई, साथ में डोलमा भी आई हमारे साथ, डोलमा ने भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करा। थैंक यू सो मच डोलमा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों फाइनली डोलमा आंटी के साथ पूरा दिन बिताने के बाद और इनके लद्दाखी कल्चर को और अच्छे से समझने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ, और अभी हम लोग और अच्छे से इस तोक गाँव को एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों वैसे तो इस तोक गांव में काफ़ी कुछ है देखने के लायक, जो कि हार्डली ले से 15 से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्तोक मॉनेस्ट्री या कहें स्तोक गोम्पा, और साथ ही 2 किलोमीटर की दूरी पे आपको दिखेगा स्तोक पैलेस। तो गाइस ये स्तोक पैलेस को समर हाउस ऑफ लद्दाखी रॉयल फैमिली भी कहा जाता है, जो कि नामग्याल डायनेस्टी के डिसेंडेंट्स भी है। तो गाइस स्तोक पैलेस के पास ही आपको दिखेगा ये गौतम बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति। वैसे तो दोस्तों जैसे ही आप स्तोक विलेज में एंटर करते हैं वैसे ही आपको दूर से ये गौतम बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे जाती है। ये जगह एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है क्योंकि इस जगह से आप पूरा स्तोक विलेज और साथ में बहुत ही खूबसूरत लेह सिटी भी देख सकते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं स्तोक के ये बुद्धिस्ट स्टैचू पे, जो कि आप स्तोक विलेज में जैसे ही एंट्री मारेंगे तो आपको ये स्टैचू दिख जाएगा। ये गाइस काफ़ी लंबी स्टैचू है और समवेयर अराउंड 75 मीटर की स्टैचू, और एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैचू में से एक है। तो अभी आप देख रहे हैं स्तोक के बुद्धिस्ट स्टैचू, और साथ ही यू कैन इन्जॉय द सीनिक व्यू ऑफ द होल स्तोक विलेज फ्रॉम हेयर। तो आप ये देख सकते हैं यहीं पर ही है स्तोक विलेज और वहीं पे दूर यहाँ पे ले सिटी है, एंड द सीन इज वेरी अमेजिंग। तो गाइस वक्त हो चला है शाम के साथ और अब हम चल रहे हैं अपने मंजिल की तरफ वापस ले सिटी की तरफ। तो दोस्तों अभी जो आप जगह देख रहे हैं ये है स्तोक विलेज, काफ़ी छोटा सा गांव है बट वर्थ विजिटिंग। तो अगर आप भी ले आ रहे हैं तो इस स्तोक विलेज में ज़रूर विजिट करिए। साथ ही गाइस हम लोगों ने आज के ब्लॉग में आपको दिखाया कि कैसे हमने डोलमा आंटी के घर पर लद्दाखी ट्रेडिशनल ड्रेस पहना और साथ में लद्दाखी म्यूज़िक के साथ लद्दाखी डांस भी करा। तो आई होप आपको ये व्लॉग भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। साथ में गाइस आप हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो दोस्तों अभी हम जिन दो बाइकर से बात कर रहे हैं ये उन एक्सट्रीम बाइकर्स में से आते हैं जिनका सपना होता है कि एक बार लाइफ में अपनी बाइक को ले और खारदुंगला पास तक पहुंचाना। तो गाइस ये दोनों बाइक राइडर्स ओडिशा से ट्रैवल कर रहे हैं विद अपाचे बाइक, जिन्होंने अभी तक 2600 किलोमीटर से ज़्यादा की जर्नी तय कर ली है। तो दोस्तों हैट्स ऑफ टू दीज बाइकर्स।